लड्डू के बाद अब किसने दिया है तेजस्वी को नया निकनेम? क्या है वो नया निकनेम और जब करण सुनेंगे तो कैसा होगा उनका रिएक्शन? चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के बाद नागिन 6 की शूटिंग में बिजी हो गई थी। तेजस्वी प्रकाश और प्रथा के किरदार से लोगों का दिल जीत रही हैं और इसी शो में उनके साथ हैं सिम्बा नागपा, जो कि बिग बॉस सीजन 15 का हिस्सा रह चुके हैं। और दोनों की बॉन्डिंग, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी लोगों को पसंद आ रही है। जिस तरीके से मस्ती मजाक यू नो करते रहते हैं वो लोगों को पसंद आ रही है, और ऑन स्क्रीन जो इनका मैजिक है, इनकी केमिस्ट्री का मैजिक है, वो भी लोगों का दिल छू रही है। और एक हैशटैग भी बन चुका है, प्ररिश, प्ररिश करके एक हैशटैग चल रहा है, क्योंकि सिम्बा और तेजस्वी की जोड़ी लोग पसंद कर रहे हैं। सिम्बा की अगर मैं बात करूं तो वो एक आर्मी ऑफिसर का किरदार प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है ऋषभ। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के ही किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं और इन जल्द से जल्द इन दोनों के बीच में ऑन स्क्रीन रोमांस देखने के लिए बेताब है। अब आपको बताना चाहूंगी कि तेजस्वी जो है वो निकनेम देने में बहुत ही माहिर है। उन्होंने करण कुंद्रा को कुंद्री बुलाती हैं, सनी बुलाती हैं और करण भी उनको लड्डू बुलाते हैं। अब आपको बता दूं कि उन्होंने सिम्बा को सिम्बुड़ा बुलाया है, तो जो सिम्बा है उन्होंने भी एक नया निकनेम रख दिया है तेजस्वी का, तेजाबासी। जी हाँ, हालांकि तेजाबासी का मतलब नहीं पता, लेकिन उन्होंने तेजाबासी वो करके बुलाते हैं तेजस्वी को, और जो तेजस्वी है वो सिम्बा को सिम्बुड़ा बुलाती है। वो तो हमने घर में भी देखा था, बिग बॉस 15 के शो में भी वो सिम्बुड़ा बुलाती थी। अब तेजाबासी का क्या मतलब है और आपको ये जो नया निकनेम है तेजस्वी का जो सिम्बा ने दिया है, आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।